नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससी ईस्ट बंगाल एफसी का लाइनअप क्या हो सकता है उड़ीसा एफसी के खिलाफ। तो बुंदुरा काल सन्धे 7:30 থেকে ईस्ट बंगाल एफसी नामचे उड़ीसा एफसी संगे। तो ये वीडियोते आमरा आलोचना करते चले ईस्ट बंगाल एफसी लाइनअप की होते पारे ए मैचर जोन्नो आर आमरा इन्वेस्टर नियो कथा करब ए वीडियोते। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, ये मैच दोनों ही टीमों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन खासकर उड़ीसा एफसी के लिए मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उड़ीसा एफसी अभी भी सेमीफाइनल के रेस में बनी हुई है। अगर यहाँ से उड़ीसा एफसी 3 पॉइंट नहीं लेती तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाएगी उड़ीसा एफसी बाकी सारी आगे चल रही हुई टीमों से। और ऐसी ईस्ट बंगाल एफसी के पास तो अभी मुझे लगता है चांस बहुत ज़्यादा कम है, इम्पॉसिबल बोल सकते हैं कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। लेकिन फिर भी ऐसी ईस्ट बंगाल एफसी इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है। तो खैर, इस बारे में हम बात नहीं करते, आगे आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो मारियो रिवेरा ने पिछले मैच में 4-3-3 फॉर्मेशन यूज किया था जो कि बहुत ज्यादा कारगर रहा था। तो मुझे लगता है इस मैच में भी मारियो रिवेरा 4-3-3 जाएंगे। तो अरिंदम भट्टाचार्य गोलकीपर और राइट बैक के पोजीशन पे अमरजीत सिंह क्याम। अंकित मुखर्जी के इंजरी को लेकर अभी कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अमरजीत सिंह क्याम कंटिन्यू करेंगे। और लेफ्ट बैक के पोजीशन पे ऑब्वियसली हीरा मंडल और दो सेंटर बैक के खिलाड़ी आदिल खान और फिंजो पर्स। और तीन सेंट्रल मिडफील्डर होंगे दोस्तों, डेरन सिडवेल, अंगूसाना सिंह और सौरभ दास। और लेफ्ट विंग में खेलते हुए नजर आएंगे नवरे महेश सिंह, राइट विंग में खेलते हुए नजर आएंगे एंटोनियो पेरोसिविच और एकमात्र सेंट्रल फॉरवर्ड के खिलाड़ी मार्सेलो रिबेरो। तो चलो बंधुरा, एबार आसा जाक फ्रांस ओटार अपडेट नहीं। तो फ्रांस ओटा ए मैचर जोनो अवेलेबल थाकछे ना एससी ईस्ट बेंगल एससी तरफ थेके एरकम ही सुना जाच्छे। तो मैंने आप सभी को बताया था कि फ्रांस ओटा को इंजरी हुआ है प्रैक्टिस के दौरान बलवंत सिंह के साथ, तो इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे फ्रांस ओटा। ऐसे ही एससी ईस्ट बेंगल एससी की तरफ से अपडेट आ रहा है। আর বন্ধুরা, এসসি ইস্ট বেঙ্গল এফসি তরফ থেকে জানা যাচ্ছে কি যেইখানে ফ্রান্স ওটার ইঞ্জুরি হয়েছিল সেইখানে সিলাই ব্লাই করতে হয়েছে। যদি সিলাই থাকে তাহলে অনেকটাই চান্স কম কি ফ্রান্স ওটা এই ম্যাচের জন্য অ্যাভেলেবেল থাকবে। তো দোস্ত, ফ্রান্স ওটাকে আগর সিলাই হওয়া হ্যাঁ তো বহুত জ্যাদা কম চান্স হ্যাঁ কি ফ্রান্স ওটা ইস ম্যাচ মে অ্যাভেলেবেল রহেঙ্গে। তো আব হাম আগে বাড়তে হ্যাঁ আর বাত করতে হ্যাঁ ইনভেস্টর কো লেকর। दोस्तों, आज से 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था कि अंबुजा सीमेंट और आईएमजी रिलायंस बहुत ज़्यादा चांस है कि इन्वेस्टर बन जाए ईस्ट बंगाल एफसी के। और मैंने ये भी बताया था उस वीडियो में कि आईएमजी रिलायंस और अंबुजा सीमेंट के अलावा भी 2-4 और बड़ी कंपनियां हैं जिसे ईस्ट बंगाल एफसी बातचीत कर रही है। और सबसे ज़्यादा चांस जो था उस टाइम में जो मैंने आपको बताया था एमजी रिलायंस और अंबुजा सीमेंट, तो मैंने रिसर्च किया आप लोगों के लिए और मुझे अंबुजा सीमेंट और एमजी रिलायंस का नाम दिखा और मैंने आप सभी को बता दिया। तो अभी और 2-4 बड़ी कंपनियां हैं जिसे ईस्ट बंगाल एफसी टारगेट कर रही है अपना इन्वेस्टर बनाने के लिए। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक इन्वेस्टर को लेकर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो बंधुरा, अपन के एक्टू वेट करते हमें समय दीते हमें अपन रिसर्च कर ईस्ट बंगाल एफसी का टार्गेट करते परे आगामी सीजने एज ए इन्वेस्टर निजे दले। तो बंधुरा, अपन के एकटू वेट करते हैं। তো বন্ধুরা, আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করছি তাড়াতাড়ি আপনাদেরকে ভিডিও দেওয়া যাক ইনভেস্টর নিয়ে। তো ইনভেস্টর নিয়ে অনেকটা বড় বড় কোম্পানির নাম সামনে আসছে, কিন্তু এখনই আমি ডিটেলসে যাব না। আমি এক পার্টিকুলার ভিডিও বানিয়ে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেব কি ইস্ট বেঙ্গল এফসি কাকে টার্গেট করছে অ্যাজ এ ইনভেস্টর নিজের দলে। তো চলি দোস্ত, ফিলহাল ইয়ে ভিডিও মে ইতনা হি থা। আশা করতা হু কি আপকো ইয়ে ভিডিও আচ্ছা লাগা, আর আচ্ছা লাগা হ্যায় তো প্লিজ লাইক করো, শেয়ার করো আপনে দোস্তো কে সাথ। আর আবি তক আপনে হামারে চ্যানেল কো আগর সাবস্ক্রাইব নাহি কিয়া হ্যায় তো প্লিজ চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব করকে সাথ মে বেল আইকন কো ভি প্রেস কর দো। তো চলো দোস্তো, আব হাম মিলতে হ্যায় আপনে দুসরে ভিডিও মে।